नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज मैं ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा। पीलिया एक रोग होता है जिसे आप सभी जानते होंगे। इसमें शरीर, मूत्र यानी पेशाब, हाँ नाखून, आँखें सभी बहुत ज़्यादा पीली पड़ जाती हैं। व्यक्ति पीला दिखाई देता है, उसे ज्वर बहुत ज़्यादा, सर चकराना, शरीर में दर्द होना, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और पीलिया के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर और भी बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। तो इसे जॉन्डिस कहा जाता है इंग्लिश में, और पीलिया बोला जाता है सरल भाषा में, तथा आयुर्वेद में इसे कामला कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जो मरीज़ है उसे अपना खान पीन अच्छा रखना चाहिए। हल्का खान पीन, मूंग की दाल, रोटी की पपड़ी आदि खाना चाहिए, सेव का सेवन करना चाहिए, तथा उसे भारी खाना नहीं खाना चाहिए। खटाई खटाई, मिर्च मसाला, तथा मांसाहार व ऐसी चीज़ें जो पच ना सकें, ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब इस व्यक्ति को क्या ऐसी चीज़ दी जाए जो कि वह तुरंत इस रोग से, कुछ ही दिनों में इस रोग से मुक्त हो जाए, इस बहुत ही बुरी तकलीफ़ से मुक्त हो जाए, तथा ऐसा क्या नुस्खा आपको बताया जाए जिससे गरीब और अमीर दोनों ही लाभ उठा सकते हैं। खासकर मैं गरीबों के लिए यह बताना चाहूँगा कि आपको इस नुस्खे में ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, तथा कम से कम समय में पीलिया से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। जिन्हें पीलिया हुआ हो उस व्यक्ति को खाने के आधे घंटे बाद, सुबह के सुबह, दोनों टाइम नहीं देना यह नुस्खा, केवल सुबह के सुबह, आपको सबसे पहले क्या करना है, फिटकरी, आप लगभग 10-11 ग्राम फिटकरी, सफ़ेद फिटकरी ले लें, सफ़ेद फिटकरी, ध्यान से सुने, सफ़ेद फिटकरी ले लें। उसे अच्छे से कढ़ाही में भून लें, अच्छे से भून लें, और फिर उसका चूर्ण बना लें, उसको अच्छे से पीस कर उसका चूर्ण बना लें, तथा पहले दिन आधा ग्राम चूर्ण, लगभग एक चुटकी चूर्ण को दही में मिलाकर व्यक्ति को खाने के आधे घंटे बाद, जो पीलिया से पीड़ित है, जो रोगी, जो मरीज, उसको खाने के आधे घंटे बाद आधा एक चुटकी यानी कि आधा ग्राम फिटकरी का चूर्ण, भुनी हुई फिटकरी का चूर्ण दही के साथ मिलाकर उसे खिलाएं। दूसरे दिन ऐसा ही करना है, खाने के आधे घंटे बाद एक ग्राम यानी कि दो चुटकी फिटकरी, मतलब मात्रा डबल करते जानी है, तो एक जो एक ग्राम यानी कि दो चुटकी फिटकरी उसे दही के, दही में मिलाकर उसे खिलाना है। तीसरे दिन उसको 1.5 ग्राम फिटकरी दही में मिलाकर खिलाना है। चौथे दिन 2 ग्राम, पाँचवें दिन 2.5 ग्राम, छठवें दिन 3 ग्राम, सातवें दिन 3.5 ग्राम फिटकरी मिला, दही में मिलाकर उसे सुबह के सुबह खाने के आधे घंटे बाद खिलाना है। ईश्वर की कृपा से तथा शास्त्रों में वर्णित इस योग के द्वारा, बहुत ही अनुभवी वैद्यों द्वारा दिया गया यह ज्ञान, ईश्वरीय कृपा से आपको 7 दिन में ही पीलिया से पूरी तरह मुक्त कर देगा। जो बढ़ा हुआ पित्त है वह पेशाब के माध्यम से और लैट्रिन के माध्यम से, दस्त भी लग सकते हैं थोड़े बहुत, जिससे पित्त निकल जाएगा, लैट्रिन के माध्यम से निकल जाएगा, बुखार भी चली जाएगी और कमजोरी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो 7 दिन में ही पीलिया से आप मुक्त हो जाएंगे केवल भुनी हुई फिटकरी के चूर्ण और दही के प्रयोग से। इससे सस्ता और सरल प्रयोग कोई भी वैद्य या डॉक्टर आपको नहीं बता सकता, कि अतः इसका उपयोग करें, तथा दूसरे लोगों को भी यह वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही आसान और सरल उपाय गंभीर से गंभीर रोगों को नष्ट करने के लिए मिलते रहें, और आप गंभीर रोगों से बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही जल्दी मुक्त हो जाएं। तो कृपया इस योग का प्रयोग करें और पीलिया, जॉन्डिस जैसी कठिन बीमारी से केवल 7 दिन में बड़े ही सस्ते इलाज से मुक्ति पाएँ। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, तथा मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत ही गंभीर बीमारियों के नेम दिए गए हैं, उन रोगों की दवा भी बड़े ही आसान और सरल तरीके से, जड़ से उन रोगों को ख़त्म किया जाता है मेरे द्वारा।
आप या तो क्लिनिक आके मिल सकते हैं या मुझसे दवा बुलवा सकते हैं। तथा मेरे वीडियोस हमेशा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई चीज़ें, नए नए नुस्खे, अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बड़ी बड़ी बीमारियों से आप छोटी सी छोटी दवाइयों से कम दवाई तथा सरल से सरल और सस्ती से सस्ती दवाई से एकदम मुक्त हो जाएं, जड़ से उन रोगों को ख़त्म कर लें, यह मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं वीडियो डालता हूं। तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।